Hello student, in this video we are going to continue chapter 7 of your science book, Soil, its erosion and conservation. Open page number 64, Soil Conservation. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था formation of soil, types of soil, soil erosion and cause of soil erosion. In this video we learn about soil conservation and how to we conserve soil. हम soil conservation क्या होता है वो पढ़ेंगे और किस तरीके से हम soil को conserve कर सकते हैं. Open page number 64. Soil conservation. Soil is a very important natural resource, so we should protect it from erosion. The protection of soil from erosion is called conservation of soil. Soil erosion is a serious problem to all of us, especially to the farmer. It is our duty to conserve it. अब soil erosion क्या है? आप खुद जानते हो, हमने पढ़ा था soil जो है natural resources है एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको प्रोटेक्ट करें, बचा के रखें. अब आपको पता है कि सॉइल इरोजन की वजह से टॉप सॉइल जो है वो बह जाती है, तो उसको बहने ना दें, उसको बचा के रखें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से सभी को प्रॉब्लम होती है और स्पेशली फार्मर को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फर्टाइल जो सॉइल है वो बह जाती है, इसलिए क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाते. इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सॉइल को कंजर्व करें. सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वे. अब किस तरीके से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को इरोजन होने से बचा सकते हैं. नंबर फर्स्ट है अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना कहलाता है अफॉरेस्टेशन. टू सेव द टॉप सॉइल, ट्रीज और स्मॉल प्लांट्स कैन बी प्लांटेड व्हिच रूट कैन होल्ड द सॉइल टाइटली एंड अवॉइड सॉइल इरोजन. ग्रोइंग ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल इन ए प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन. तो टॉप सॉइल को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए. और कोशिश, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, उसकी मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, पर उसकी सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए सॉइल इरोजन नहीं हो पाता. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जितने पेड़ कटे उससे ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए. नेक्स्ट है ग्रोइंग ग्रास. इफ द प्लेन फील्ड कैन बी कवर्ड विद ग्रास और सम फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स जस्ट टू कवर द सॉइल, वी कैन अवॉइड द लॉस ऑफ टॉप सॉइल. इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, घास लगा सकते हैं और ऐसे पौधे लगा सकते हैं जो क्या हो, जल्दी से उगाए, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन रुक जाता है. अवॉइड ओवर ग्रेजिंग. आपको बताया था ओवर ग्रेजिंग क्या होती है, पशु जहाँ पर कैटल जो है ज़्यादा से ज़्यादा चरते हैं, ऐसा ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए, इतना ज़्यादा उस जगह पे ग्रेजिंग नहीं करानी चाहिए. वी मस्ट टेक केयर दैट द ग्रेजिंग एनिमल डू नॉट अलाउ टू ग्रेज ऑन द सेम एरिया ऑफ लैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम. एक ही ज़मीन पे बार बार उनको चरने नहीं भेजना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए. नंबर फोर कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट. कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण करना. हमें क्या करना चाहिए, चारों तरफ जो रिवर है उसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट मतलब छोटे छोटे बांध कह सकते हो, वो बना लेने चाहिए, ठीक है. स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बोथ साइड ऑफ रिवर और ए स्ट्रीम. हमें नदियों के नालों के चारों ओर क्या बनाने चाहिए, बांध दो जिससे वो बहना आगे मतलब अपने रास्ते में ही बहे बाहर ना निकले. इट वुड हेल्प प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द एडजॉइनिंग फील्ड एंड चेक द सॉइल इरोशन. और जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम वहाँ पर बांध बना के रखेंगे किसके, चट्टानों के और पत्थर के, तो जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लडिंग नहीं होगी, बहेगा नहीं पानी और पास लगे खेतों में नहीं जाएगा.
और इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं सॉइल इरोजन। चेक मतलब बचाओ, यहाँ पर चेक का मतलब क्या है, बचा सकते हैं सॉइल इरोजन को। स्टेप फार्मिंग एक तरीका और है, स्टेप फार्मिंग सीढ़ीदार खेत, स्टेप में सीढ़ियों को बोलते हैं, तो वो करके भी हम सॉइल इरोजन बचा सकते हैं। कहाँ पर, हिली एरिया में, आपको पता है पहाड़ों में स्लोप होता है और स्लोप की वजह से जब भी कोई पानी आता है बह के तो सारी मिट्टी को वो एक साथ ले जा लेता है। तो पहाड़ी एरिया में हम क्या करें, छोटे छोटे सीढ़ीदार खेत बनाए तो पानी का फ्लो उससे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है ना, और जिससे हमारा सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। हिली एरिया आर स्लंटिंग, ढलान वाले होते हैं हिली एरिया, सो द रेन वाटर फ्लो वेरी रैपिडली। अब क्योंकि ढलान वाले हैं तो बहुत तेजी से रेन वाटर फ्लो करता है। इट कैरी अवे लॉट ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, और बहुत सारी टॉप सॉइल को वो बाहर ले जाता है। फार्मिंग इज डन बाय स्टेप्स इन दिस एरिया, ऐसे एरिया में फार्मिंग खेती कैसे करनी चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाकर। दिस मेथड इज नोन एज स्टेप फार्मिंग, और इस ये मेथड कहलाता है स्टेप फार्मिंग। That this reduce the speed of water and hence soil erosion, और ये क्या करेगा, step farming करेंगे तो जिससे पानी की speed जो flow हो रहा है उसकी speed कम हो जाएगी और इससे soil erosion भी कम होगा। Student chapter खत्म हो गया, एक बार हम verbally इसके questions कर लेंगे फिर आपको written तो करने ही हैं। How soil is formed, soil कैसे बनती है, मैंने बताया था एक word use किया था वेदरिंग। वेदरिंग मतलब होता है टुकड़े होके किसके, रॉक्स के, तो सॉइल इज फॉर्म बाय वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग होता है समय के साथ साथ छोटे 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 टुकड़ों में रॉक्स का टूट जाना। तो सॉइल कैसे बनती है, रॉक्स की वेदरिंग की वजह से बनती है। व्हाट इज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता क्या है, तो सॉइल इरोजन आपने क्या पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लड के द्वारा क्या होना, टॉप सॉइल को वॉश अवे हो जाना या फ्लो अवे हो जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। नेम थ्री फैक्टर विच कॉज सॉइल इरोजन, तीन चीजें जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो आपने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, है ना, पेड़ों को काट देते हैं उससे सॉइल इरोजन होता है। पशुओं को ज़्यादा चराते हैं, ओवर ग्रेजिंग, उससे सॉइल इरोजन होता है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी ह्यूमन एक्टिविटी में, हमने क्या पढ़ा था, सॉइल इरोजन का एक कारण पड़ा था बाय डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग, है तो ह्यूमन एक्टिविटी थी, और बाय वाटर एंड रेन। इस तरीके से आपने चार पढ़ लिए, कोई भी आपको तीन लिखने हैं। हाउ इज मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, मनुष्य किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के, तो हम क्या करते हैं, ओवरग्रेजिंग कराते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। Suggest two methods to avoid or prevent soil erosion. Soil erosion रोकने के तरीके बताइए। आपको अच्छे से पता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इसको हम कहते हैं afforestation, ठीक है ना, और क्या करें साथ साथ grow grass, grass ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, avoid overgrazing, पशुओं को ज़्यादा एक ही फील्ड पे ना चराएं, ठीक है ना, और स्टेप फार्मिंग करें हिली एरिया में। ये कुछ मेथड हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के, ठीक है। अब ये है फिल इन द ब्लैंक्स, द सॉइल इज द डेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, कौन सी लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम, कैसे बनती है सॉइल, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कटिंग ऑफ ट्री और प्लांट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल ऑल्सो लीड टू, क्या होता है ओवर ग्रेजिंग से, सॉइल इरोजन। इन हिली एरिया फार्मिंग इज डन स्टेप दिस प्रिवेंट, अब हिली स्टेप पे फार्मिंग करने से क्या होता है, क्या चीज का बचाव होता है, सॉइल इरोजन का। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, डिफॉरेस्टेशन से जमीन की उपजाऊता फर्टिलिटी बढ़ती है, नहीं कम होती है। ग्रोइंग ग्रास इन ओपन फील्ड रिड्यूस सॉइल इरोजन, ज्यादा से ज्यादा घास लगाएंगे तो सॉइल इरोजन रोकेगा, यस ट्रू। ओवर ग्रेजिंग डिक्रीज सॉइल इरोजन, ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन कम होता है, नहीं इससे तो बढ़ता है, तो ये क्या है, फॉल्स है। स्टेप फार्मिंग इज डन इन हिली एरिया, स्टेप फार्मिंग हिली एरिया में की जाती है, यस इट इज ट्रू।
Construction of embankment near riverside can help in checking soil erosion. Soil erosion को रोक सकते हम embankment बना के, मतलब छोटे छोटे rocks और stone का बांध बनाकर. हाँ, true, yes. Draw the layer of soil. आपको layers बनानी है soil की अपने notebook में. पेज नंबर 62 में बनी हुई है लेयर ऑफ सॉइल, ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.